हाँ भाई, क्या चल रहा? पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं। जब से चैनल चला रहा हूँ वही बंदा गायब है भाई। कितनी बार बोलना पड़ेगा मुनव्वर भाई, पार्टी करो। मैं क्वेश्चन नहीं करता उसे, तुम चुप जाते हो, गायब हो जाते हो इंटरनेट से। यार मेरे को अपडेट देने कहाँ से? तू दो ही है, एक फोटो आई है और एक शायरी आई है। मुन्नोपुर से ज्यादा तो बाकी चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी आज मुझे। जोकर भैया को अवार्ड मिल गया, उस पर तुमने एडिट बना दिया। एलविश यादव को अवार्ड मिल गया, उसको मैंने एडिट देखा नहीं अभी तक। उसके अलावा रजत दलाल को पुलिस उठा के ले गई। क्यों? अरे वही ड्रामा चल रहा था तो आज 2 बजे लड़ाई थी। मैं भाई साहब खुशी खुशी उठा, क्योंकि पहले तो WPL की खुशी थी मुझे। फिर मुझे मालूम था कि कैरी की वीडियो आएगी, फिर यार फ्राइडे भी हो जाएगी आज फाइनली। पुलिस बीच में आ गई, मैं वायलेंट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मिलते तो लड़ना थोड़ी था इनको, इतने लोग आपस में थोड़ी लड़ेंगे, गैंग वॉर थोड़ी हो रही है पढ़े लिखे। सॉरी, हाँ म्यूट कर दूंगा वो वर्ड, मेरे को पंगा चाहिए ही नहीं। अभी आया ना भाई, फट गई सिंपल। हाँ फट गई मेरी, मेरी फटी रहती है, मेरे को बेफालतू ड्रामे करने ही नहीं होते। मैं कैरी में नाटी थोड़ी हूँ। अभी ये इसको पुलिस ने उठा लिया, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है रजत भाई की साइड से। बाकी राजवीर पे सब पहुंचे भाई, क्या हो गया, डर गया क्या? अरे यार तुम सच में लड़वाना चाहते हो क्या दोनों को? बैठ के चाय पे बातचीत करो, चाय नहीं पीनी तो कुछ और पी लो। मैं जहर नहीं बोल रहा था, मैं अल्कोहल की बात कर रहा था, ठीक है? तुम हरामी हो, तुम सोचो कि गंदा फंसाऊंगा मैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो उसमें किसी ने पोस्ट कर दिया था कि इन दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, उसमें झाझर पुलिस आ गई। मैं कभी ये पुलिस भी है, मैं तो गाने समझ रहा था, झाझरिया किसकी, मुझे याद नहीं गाना। हाँ तो लोग राजवीर को पोक कर रहे थे, तो उसने भी जवाब दे दिया कि भाई ये क्या ऐसे न्यूट्रल एरिया में बुलाओ। अरे भाई ऑफिशियल फाइटिंग कर दो ना, जो लीगल है इंडिया में, स्ट्रीट फाइट थोड़ी लीगल होती है यार, वो तो गुंडागर्दी मचाना होता है। तुम बॉक्सिंग मैच रख लो आपस में, MMA फाइट कर लो, ये क्या तरीका होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया स्ट्रीट फाइट के लिए, ऐसा लॉ भी है? हाँ, इसके अलावा कैरी की वीडियो आ गई, कैरी भी मजे ले गया। मुझे समझ में ना, कैरी ने मजे किससे लिए? एलविश यादव वर्सेस मैक्सटन वाले पे, एलविश यादव वर्सेस सेना वाले पे, या फिर रजत वर्सेस राजवीर पे? क्योंकि जो उसने बोला वो सब पे ही अप्लाई हो रहा है, सारे इंक्लूडेड है। गाइस आप भेड़िया का दोगलापन देख रहे हो? गुड़गांव में रहता ना तू? आजा 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 आजा। अरे कितना चाटोगे, चलो खरगोश को मारने चला। भाई देख लो, रिकॉर्ड कर रहा होगा, अब कोई ना अपनी सेना बुला लेंगे। भाई सेना नहीं आएगी, आपने उनका भी एड्रेस लीक कर दिया। अब कौन चुका मेरा अकाउंट कार्ड? मैंने आप ही हो भाई। ओ बैन यार, तुम्हें कितनी बार बोला मुझे नशा करने से रोक लिया था। मैंने रोकने की कोशिश करी थी, आपने मेरे एड्रेस लीक करने की धमकी दे दी। अरे छोड़ो, गाड़ियां निकालो, चलो। गाड़ियां भाई, आप तो अकेले जाने वाले थे। चल नहीं चल, चल नहीं चल। हां भाई, हां भाई, तो चलो कूटे उसे। मीडिया भाई के सामने को तो तेरी बाड़ती सारा ज्यादा ट्वीट करेगा। अरे भाई रुको रुको रुको, एंगेजमेंट बढ़ गई, एंगेजमेंट बढ़ गई। गाइस थैंक यू फॉर 1 मिलियन फॉलोवर, मैं और मीडिया भाई बचपन से दोस्त हैं, हम लोग चूतिया भाई, चारा वन टॉप, मैं चला फीफा खेल। हां तो यहां पे वीडियो की समाप्त, क्योंकि अभी सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है जो मीडिया कवर नहीं कर रहा बट इंटरनेट जरूर कवर कर रहा है, वही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। अभी किसी ने इतने एड्रेस बना रखे हैं, मैं क्या क्या दिखाऊं, क्या छुपा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। एक ने एड्रेस बनाया कि ईडी का इस्तेमाल करके पार्टी के लिए 12,000 करोड़ कर लिए, ले बीजेपी नेता भी लाइक। लोग इसे मस्ती में ले रहे हैं, जबकि कितना सीरियस टॉपिक है। मतलब मेरे को ये वाला सही लगा कि बात भी बोल दी बट ऐसा दिखाते भी रहे, हाँ हम तो सपोर्ट में। मेरे को ऐसे टाइम के सही लगते हैं जो यू टर्न मारते हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं तुम लोगों को, ये क्या लगा रखा है? इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। मोदी ने 6,000 करोड़ का घोटाला चंदा लिया, क्या लिया? मांगा थोड़ी था किसी से, अपने मन से दिया लोगों ने। थोड़ी ना उनकी कंपनियों पे कोई ईडी की रेड करवाने की धमकी दी तब पैसा लिया है, या उनसे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट या ठेका चाहिए तो पहले पैसा दो। और ये क्या मोदी जी को वसूली भाई, वसूली भाई बोले जा रहे हो? इसे वसूली नहीं, प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। पिक्चर नहीं देखते तुम लोग? मोदी जी बहुत देखते हैं, उनकी फेवरेट पिक्चर है महाचोर, चोर के घर चोर, चोरी मेरा काम। और एक पिक्चर तो उनकी पार्टी में ज्वाइन करने से पहले कंपलसरी देखनी, हम सब चोर है। लेकिन क्या गलती कर दी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे ले लिए? तो तुम लोगों की सोचना कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। हॉलीवुड ने जेम्स बॉन्ड दिया, पूरी दुनिया में अमेरिका की चर्चा हुई, भारत का क्या था? कुछ नहीं। इसीलिए मोदी जी ने सिर्फ तुम लोगों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बनाई। अब जब भी मोदी और भारत का नाम आएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नाम आएगा। यू सी, मोदी जी तो विश्व पटल पे भारत को बदनाम, भारत का नाम करना चाहते हैं बस, फिर चाहे उसके लिए कोई भी स्कैम स्कीम लानी पड़े। और यार एक बात बताओ, वो इंसान 18-18 घंटे जागता है, माना इंसान नहीं भगवान है, पर भगवान को भी तो भोग लगाने की जरूरत पड़ती है। अब तुम इंसानों का क्या है, तुम तो रात में जाके रजाई उड़के सो जाते हो। मोदी जी को भूख लगती थी रात को, अब मजबूरी में क्या करते, जाना पड़ता था खाने पैसा पर। मजाल आज तक अगले दिन उठकर सुबह जब भी भाषण दिया है डकार तक लियो, क्योंकि उन्हें पता है ये बैड मैनर्स होते हैं, पर तुम लोग फिर भी उन्हीं को गाली देना, उन्हीं को बुरा भला बोलना। आई लव यू मोदी जी। भाई साहब एक क्लिप देखने को मिली है मेरे को, जहाँ पे एक लड़की इलेक्शन कमीशन का ये चल रहा था क्वेश्चन आंसर, तो उसमें ये पूछती है
कि जो भी जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ा था तब तक ये नहीं मान्य था जिस वे से पॉलिटिक्स आज के दुनिया में हो रही है या आज के टाइम में हमारे देश में हो रही है। बट कभी भी जब भी ये मुद्दा बनता है, इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, तो जो रूलिंग पार्टी है उनको क्लीन चिट मिलती है, बट अपोजिशन को हमेशा टारगेट किया जाता है। भाई इलेक्शन कमीशन ने इग्नोर कर दिया क्वेश्चन, जैसे ये सवाल 30 सेकंड तक जो बना था एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी वो यूक्रेन वाली क्लिप चल रही जो मैंने दिखाई थी तुम्हें, तुम्हें दिखाई नहीं थी, मैंने एक्चुअल रियलिटी क्लिप दिखाई थी। तो अभी ध्रुव राठी ने भी उस क्लिप को उठा लिया, और मैंने तो ये सब सुना भी नहीं था, मेरे को इतना पता था कि हाँ अरेंजमेंट पोलैंड से करा रहे हैं, बट नेता लोग ये बोल के चले गए कि मोदी जी ने यूक्रेन की और रशिया की जो वॉर थी कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए रुकवा दी थी। वाह मोदी जी वाह, मणिपुर में आग लगी पड़ी है, मोदी जी उसमें कुछ नहीं कर रहे, लद्दाख में वो बंदा सोनम वांगचुक जो भी है 10 दिन हो गए उसे भूख हड़ताल पे, अमरण हड़ताल है वो, किसी ने एक शब्द नहीं बोला है। यहाँ पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का स्कैम है, एक नेता नहीं आया, जो भी है मीडिया वाले शांत है, वो एक था सुधीर चौधरी का, आइए मौन रहने के फायदे बताता हूँ, वो ही कर रहे हैं। कहता द डिफरेंस इंडिया इन 1987 इंडिया इन 2024, ये गलत है वैसे टेक्निकली। मोदी जी तो खुद ही कहते हैं डिजिटल रहो, क्योंकि उसमें फिर आसान होता है ना मैनिपुलेट करना। देखो ना अभी ये स्कैम चल रहा है, बॉन्ड का स्कैम, हम लोग इससे ज्यादा इंटरेस्टेड किस में है? एल्विस का क्या हुआ, एल्विस ने माफी मांग ली, मुनव्वर क्या कर रहा है, एमी वनडे ने कुछ डाला है पोइट्री टाइप का, उसमें शुरू हो गया ये अपना धर्म प्रमोट कर रहा है, अरे साल में एक गाना डाल दिया उसने अपने रिलीजन से रिलेटेड, तो इसमें नफरत करने वाली क्या बात थी, मुझे कल तक पता नहीं था, मैंने पूछा तो मेरे को भी आयान की वो पोस्ट दिखी। मैं देखो अगर तुम अपने धर्म को मानते हो तुम उसकी पूजा करो, रिस्पेक्ट करो, जो करना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हिंदू आके अभी भगवान के ऊपर गाना गा, इतने सारे गाने आते हैं, किसी को दिक्कत हुई नहीं, बट बंटाई ने किया तो धार्मिक चीज क्रिएट कर रहे हो तुम अननेसेसरी, एक गाना साल में कर दिया तो क्या बुरा हो गया, नमाज तो पढ़ी रहा है ना, रमजान की खुशी में कर दिया उसने, चल मारो वो नहीं हो पाएगा। हाँ अब बात करेंगे हम WPL की, क्यों, क्योंकि RCB फाइनल पहुंच गई हारने के लिए फिर से, लास्ट सीजन में सेकंड लास्ट गई है, इस बार टॉप टू, मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ, और भाई मेरा मैं तो पूरा हो गया था 15-16-17 ओवर में मेरा तो हो गया था, गई मैं देखूंगा ये नहीं, मैं कमेंट ऑन करके ट्विटर ब्राउज कर रहा था, फिर हरमनप्रीत आउट हो गई, मैं कहा RCB पता नहीं यार अलग ही इमोशन है RCB के साथ, अबे जीत गई, इतना आखिरी ओवर में 3 बॉल पे 8 रन चाहिए, विकेट गिर जाती है, एक छक्का चौका मार के कर सकते थे खत्म, इनसे वो नहीं हुआ, मुंबई इंडियंस वाले लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जीते हैं, आज दिन ही नहीं हमारा, अबे एलिमिनेटर है निकल जाओगे, हमें तो पता ही नहीं, हम पे तो है ही ना, नीता भाई इतना टेंशन वाला गेम हो गया था लास्ट ओवर, नीता अंबानी सर पकड़ के बैठी थी भाई, नीता अंबानी सोच रहे तुम, वहां पे टाटा वाले उसको कांच गिफ्ट कर रहे हैं, टूटा हुआ कांच, अबे अपशगुन होता है टूटा हुआ कांच, वो गिफ्ट कर दिया, अरे वो जो बॉल से ग्लास नहीं तोड़ दिया था उसने गाड़ी का वो वाला। हाँ ट्रॉफी तो ट्रॉफी हो गया, छोरा लावे या छोरी, इस साल मैं RCB को सपोर्ट ना करके दूसरी टीम को करता हूँ, अबे चेन्नई जीत गई 5, एक तो ये भी डिजर्व करती है, बोलो लगा दू बनाती आजकल चल रही है मेरी, मैं वीडियो में भूल के गया था RCB हारेगी, लग गई पनौती, फाइनल क्या है, फाइनल तो DC जीतेगी भाई, इतना तो मैं पक्का हूँ 100%, इसमें पनौती भी काम नहीं करेगी, अभी मैकलेनिंग है भाई वो कॉन्स्टेंट टीम है, लास्ट छूट गए थे, क्या पता इस बार मेरी पनौती सच में लग जाए, बट मेरे को कम चांसेस लगते हैं RCB के जीतने के, बाकी लेट में तुम्हारा क्या सोच है इसमें, मैं मिलता हूँ कल नहीं आऊँगा मैं, कल फाइनल देख रहा हूँ भाई चुपचाप, मैं आज ही नहीं आने वाला था, फिर मैं कह यार कल फाइनल है, कल छुट्टी मारते, कल मजा आएगा, ठीक है लाइक कर देना, पीस आउट।